प्रभु के मंदिर में नतमस्तक हो उसके आसन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में नतमस्तक हो उसके आसन में। कहीं पूज परमेश्वर गाए उसके उपवन में। आओ चले वही पावन है वही जीवन है वही मार्ग और सत्य वही पावन है वही जीवन है वही मार्ग और सत्य वही प्रकाश है सारे जग का वो ज्योति भर ले तन मन में। खुदावंद यीशु मसीह विच मेरे प्यारे भेण तो भरावो सारे नु जय यीशु आए असी सारे इस पवित्र मीसा विच हिस्सा लैण दे लई अपने आप नू तैयारी करिए। पूरे तन मन दे नाल इस पवित्र मीसा विच हिस्सा लैण दे लई असी परमेश्वर तो मदद मांगिए ताकि प्रभु दी पवित्र रूह दे नाल इस पाक मीसा विच हिस्सा लैंदे होए प्रभु ईश्वर तुम हर तरह की आशीष तो बरकत प्राप्त करने के लिए असी अपने आप को तैयारी करिए। खुदा की कृपा बरकत हमेशा सानू मिले आए असी सारे पवित्रता दे नाल इस पाक मीसा विच हिस्सा लेने के लिए कोशिश करिए। बाप ते बेटे ते रूह पाक ते नाउ ते साढ़े प्रभु यीशु मसीह दा फसल खुदा बाप दा प्रेम अति रूपा दिशान सुहाड़े नाल होवे अति तोड़े रू नाल भी होवे। मेरे भराओ तो बहनों हर एक पाक मीसा साढ़े वास्ते एक खास तोहफा है। परमेश्वर ने हर एक इंसान नू इन्ना प्यार किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र नू इस धरती विच कह लिया है ताकि असी सारे अपने पिता परमेश्वर दे नाल मेल मिलाप करते हुए एक नवा जीवन गुजारन वास्ते परमेश्वर ने सानू सदिया है। असी वेखते हाँ जो इंसान गुनाह किया है पाप किया है तो समय ही परमेश्वर और इंसान का रिश्ता प्यार टूट गया सी। पर जदों प्रभु यीशु मसीह खुदा दे इकलौता पुत्र दुनिया में आया है उसने अपने आप नू साढ़े वास्ते सलीब उत्ते कुरबान करते हुए बिली छड़ा के साढ़े वास्ते पवित्र यूकरिस्ट स्थापना करते हुए प्यार विखाउण दे लई खुदा दे नाल मेल मिलाप करन दे लई साढ़े वास्ते ये पाक मीसा पवित्र बिली साढ़े वास्ते शुरू किया है। इसलिए आइए असी भी खुदा दे नाल मेल मिलाप होने दे लई प्रार्थना करिए। जाने अनजाने साढ़ी जिंदगी विच असी जो गुणा किया है पाप किया है उन्हां दे लई असी पश्चाताप करिए। खास करके मेरे भैण तो भरावो जिन्हें लोग इस पाक मीसा विच रूहानी तौर तुसी भाग लेंदे हो आइए असी अपने आप नू खुदा दे अर्पित करिए। साढ़े जीवन दे विच असी जो गुणा पाप किया है उन्हां दे लई पश्चाताप करके अपने प्यारे खुदा कोलों असी माफ़ी मांगिए। कुदरत वाले खुदा ते भेड़ा प्रवान दिया गे एक बाल करदा एक बाल करदा सोचन बोलन ते करंगा बहुत एक बाल करदा एक
सदा कुवारी मरियम ते सारे फरिश्ते आसन तागे ते पैड़ा प्रवाद आगे बाल करदा मेरे लिए खुदावंदा के करो दुआ सारे मिलके मैं आया तेरे द्वारे रहम करो रब प्यारे एक बाल कर वाले खुदा के पैड़ा प्रमाद आगे मैं एक बाल करदा एक बाल करदा पूरी कुदरत वाला खुदा साढ़े दया करे अते साढ़े गुनाह नु माफ करके सानू सदीवी जीवन तक पहुंचावे आमीन। दया करो दया करो दया करो साढ़े प्रभु दया करो दया करो दया करो दया करो साढ़े उत्ते प्रभु यीशु दया करो तन तेनु कहन देगा कर देराधना ते महिमा तेरी गौंदे स्वर्ग ते विच वड़ियाई सुमसेक लौते बेटे बाप द बेटे प्रभु खुदा बाप द बेटा दुनिया दे पापा नू चुक ले जांदा निमता सुन ले सानिया तू पाप दे सजे तेरना है दया तू कर
सुरगत बिच वड़िया कल्ला परमेश्वर है परम उच्चा है ए खुदा ए मसीहा शान बिच तू बाप तेरु पाक ना असी प्रार्थना करिए ये खुदा साढ़े बाप तू ही सब तो चंगिया दादा दा सोमा है साढ़े दिलां विच अपने लिए प्यार नू जगा दे अते अपने उते साढ़े मां नू सुरजित कर बख्श दे कि साढ़े विच नेकी दा बीज वधे फुले अते तेरी मदद नाल ओ पक्का होके सब गुणा फल पैदा करे साढ़े प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राही जो तेरे नाम रूप भगत एक दा विच एक खुदा जीवन दा राज करदा है सदा तुम सदा तिक आमीन। पाठ पहला यर्मिया नबी खुदा दी बाणी दा ऐलान करदे हन क्योंकि ए ओना दे अंदर एक तम कड़ी अग दे समान है जिसनों वह दबा नहीं सकते। यर्मिया नबी का ग्रंथ उदा बी बाप 7-9 है तक खुदा दा वचन मेरे लिए अपमान का कारण बनया है। प्रभु तू मैनु धोखा दिता है अते मैं धोखा खादा है। तू मेरे तो शक्तिशाली है अते तू मेरे उत्ते काबू पाया है। हर कोई मैनु ठट्ठा करता है अते मैं सब ले गुस्से का कारण बनया हाँ। पर जदों मैं कहता हाँ मैं प्रभु नूं भुल जावांगा अते उस दे नां दा बयान नहीं करांगा तां संदेश अग दा रूप तार लैंदा है जो मेरे अंदर एक पामर ला दिंदा है। मैं इस नूं अपने तक रखन दी पूरी कोशिश करदा हाँ पर मेरे लई एक करना कठिन हो जांदा है। प्रभु दी बाणी करो सिताई करो सिताई करो सिताई करो सिताई करो खुदाई करो सिताया तो आस मातो तुसी खुदाई करो सिताए सारी पोजो परी सारे सूरज सब सितारे सारी पोजो परी सारे चंद सूरज के सब सितारे हरे के सारे खुशी दे मारे करो सिताई करो सिताई करो सिताई खुदा बंदनी करो सिताई करो सिताई। दूसरा पाठ रोमिया दे नाम संत पौलुस दा पत्तर उहदा 12 बाप 1-2 अपने शरीरां नूं जीवंदी अते पवित्र अते मन भाव दी बलि दे रूप विच खुदा लई पेश करो। इस लई भरावो मैं खुदा दीआं रहमतां दा वास्ता पा के तुहाडे अगे अज करदा हाँ तुसीं अपने शरीरां नूं जीवंदी अते पवित्र अते मन भाव दी बलि दे रूप विच खुदा लई पेश करो। जो ताड़ी रूहानी आराधना है तुसी इस जग
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਬਣੋ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੋ ਕਿ ਭਲਾ ਹੈ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਦੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ यीशु ने हमें छुड़ाया है सांप के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से यीशु ने हमें छुड़ाया है सांप के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान के ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯੇਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਯਰੂਸਲਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਤਰਸ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਰੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵਾਪਰੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸੈਤਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਯੇਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਗੁਆਏਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਾਏਗਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਾ ਲਵੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਭਰਾਓ ਕਲੋਵਿਸ ਇੱਕ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ ਤੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਲੋਵਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚਰਚ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੋ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਾਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਟੇਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ
दोबारे मुड़ के आना है। तो उसने सब कुछ सीख लिया। इस तो बाद 6 महीने तो बाद क्लोविस ने इस फादर के पास आया। तो फादर ने बाइबल तो बहुत सवाल पूछा। हर तरह के सवाल नू उसने ठीक ठीक जवाब दिता है। अंत विच इस फादर उन्होंने एक आखिरी सवाल पूछा, तुसी की करोगे जे तुसी मौजूद होंदे जदों यीशु नू सलीब दिती गई सी। तो उसने दसिया, अगर मैं उत्ते मौजूद हुंदा, मैं एक तलवार लेके प्रभु यीशु मसीह नू जो मार डालने वाले सलीब देने वाले हरेक नू मैं तलवार दे नाल खत्म करूँगा। ये सुनते हुए उस पुरोहित ने उसने दसिया कि तुसी और भी कुछ सीखना है तो दोबारा अपने घर नू वापस जाओ, बहुत कुछ और सीख के वापस आना है। उसने चल गया। 6 महीने तो बाद दोबारा वो फादर दे कोल वापस आ गया। तो फादर ने दोबारा सवाल पूछना शुरू किया है। बहुत बाइबल तो हर एक जवाब उसने दे दिता। दोबारा भी इस फादर ने सवाल पूछा, तुसी की करोगे जे तुसी मौजूद होंदे जदों यीशु नू सलीब दिती गई सी। तो उसने दसिया, क्योंकि मैं बाइबल विच पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह दे बारे मैंने सुना है। प्रभु यीशु मसीह ने दसिया, अपने दुश्मनों नू प्यार करना है, एक दूसरे नू क्षमा करना है। तो मैं की करूँगा, मैं जरूर क्षमा करते हुए हर एक दुश्मन में उन्होंने मर नहीं डालूंगा, बल्कि उन्होंने क्षमा करते हुए प्रभु यीशु मसीह में संभालूंगा। ये सुनते हुए उस फादर ने दोबारा उसने दसिया, तुसे अपने घर में दोबारा मुड़ के जाओ, और भी कुछ सीखना है। तो उसने गया। तीसरी बार वो मुड़ के फादर के पास आ गया, बहुत कुछ सवाल पूछा। तीसरी बार भी इस फादर ने क्लोविस नू यही सवाल पूछा, तुसी की करोगे जे तुसी मौजूद होंदे कि जदो यीशु नू सलीब दिती गई सी। ये सुनते हुए क्लोविस ने अपने मना विच पूरे विश्वास दे नाल, पूरी उम्मीद दे नाल ये जवाब दिता, अगर मैं अपने आप नू, मैं उत्ते हाजिर सी, तो मैं की करूँगा, मैं अपने आप नू मसीह नाल सलीब ते चढ़न देवांगा। हालेलुया, हालेलुया, मैं अपने आप नू मसीह नाल सलीब ते चढ़न देवांगा। मेरे भैन तो भरावो, अज दी पवित्र अंजील विच असीं सुना है, जेकर कोई मेरी पैरवी करना चाहुंदा है तां वो अपने आप नू इनकार करे। असीं वेखदे हाँ कि प्रभु यीशु मसीह दा पीछे चलण दे वास्ते असीं की करना है, अपने आप नू इनकार करदे होए अपना सलीब दे राह, अपने सलीब ने चुक के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत जरूरी है। असी वेखते हाँ कि जो इंसान गुनाह किया है, पाप किया है, परमेश्वर तो दूर चल गया, तो समय उस इंसान नू खुदा दे नाल मेल मिलाप करन दे वास्ते परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र धरती विच कर लिया है। संधि यूनान दी अंजील इस तरह पढ़ते हाँ कि परमेश्वर ने साढ़े नाल इन्ना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र साढ़े वास्ते कर लिया है, ताकि जो कुछ उसने ईमान रखे उसको आनंद जीवन मिले, उन्होंने मुक्ति मिले। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आते हुए सलीब के द्वारा सानू हर तरह की गुणा पापां तो मुक्त किया है, अपने आप से बलि चढ़ाया है। हर एक पाकमीसा जो असी ते हो रहा है, हर एक पाकमीसा विच प्रभु यीशु मसीह की उस कालवरी पहाड़ की बलि नू असी हमेशा हर वेले याद रखते हाँ। मेरे बेनत भरावो, असी वेखते हाँ कि हर एक ईसाई का और ईसाई धर्म का मूल आशा यह है कि एक सलीब दी राह। प्रभु यीशु मसीह अपने आप नू सलीब चुक के सारे तुम आगे चल गया है, तो असी भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। हर एक इंसान की जिंदगी विच दुख तकलीफ है, परेशान है, असी सारे मिलके हमेशा ईश्वर नू मनाउंदे हाँ। लेकिन असी याद रखना, असी ईश्वर और मना सकता है जब असी गुड फ्राइडे विच हिस्सा लैंदा है। प्रभु यीशु मसीह का दुख दे विच उन्हां दे मौत दे विच हिस्सा लैंदा है, ताकि असी प्रभु यीशु मसीह दे नाल जी उड़ सकता है। तो नाल ही मेरे बेनत भरावो, अज दी पवित्र अंजील दे द्वारा सानू यही संदेश प्रभु यीशु मसीह देना चाहुंदा है कि असी भी अपना सलीब ने चुक के प्रभु यीशु मसीह दे पीछे चलना है। असी वेखते हाँ कि आखिरी इतवार दे विच असी सुना है कि जदों प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां तों पूछा कि लोग मेरे बारे की कहंदे हो, चेलियां ने वक्त वक्त जवाब दिता। लेकिन असी वेखते हाँ
अंदे विच प्रभु यीशु मसीह उन्हां दे प्यारे चेले ने यही गल कीता कि तुसी की सोचते हो कि मैं कौन हूँ। तुस वेले पत्रस जो चेलिया में तो प्रमुख चेला सी उसने जवाब दिता तू जीवन दे परमेश्वर दे इकलौते पुत्र हो। यह सुनते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उसने दसिया पत्रस पवित्र आत्मा की शक्ति तू आने मिली है इसके कारण तुसी ये दसिया है। लेकिन अज का पवित्र अंजील दे विच असी सुनते हाँ कि प्रभु यीशु मसीह यही चेले लोगों के नाल इस तरह गल्ला कीता कि मैंने यरूशलेम जाना है उते दुख तकलीफ होना है परेशान होना है लोग मैनू मार डालेगा। ये सुनते वेले पत्रस यीशु मसीह ने दसिया प्रभु यीशु मसीह तुहाड़ी जिंदगी विच इस तरह ना होवे खुदा ना करे प्रभु इस तरह तुहाड़े नाल कदी वापरे। ये सुनते वेले प्रभु यीशु मसीह ने पत्रस ने कहा चल मैं तुम पीछे हट सैतान। प्रभु ने कहा चल मैं तुम पीछे हट सैतान। मेरे बेणत भ्रावो मेरे ख्याल से पत्रस ने कभी भी नहीं सोचा कि प्रभु यीशु मसीह इस तरह के जवाब उसनु जरूर देवेगा। असी संत पत्रस के बारे बहुत कुछ सुना है। संत पत्रस ने प्रभु यीशु मसीह से बहुत भरोसा रखा है लेकिन असी वेखते हाँ उन्होंने आम जीवन के विच वो एक बड़ा सक्सेसफुल नहीं रहा है। उन्होंने कमियां कमजोरी सी और असी वेखते हाँ एक बार जदों प्रभु यीशु मसीह उन पत्रस नु आज्ञा दिता पत्रस तुसी भी मेरे को आ जाओ। पत्रस ने पानी उत्ते पाए रखते हुए प्रभु यीशु मसीह वल ध्यान रखते हुए जानते वेले तुरंत ही सज्जे काबे वेख लिया। उसने पता लग गया जिते मैं पाए रखा है एक बड़ा समुद्र है तो मैं डूबने वाला है। देखो उस समय उन्हां दे विश्वास कितना कमजोर है। और नाल नाल ही प्रभु यीशु मसीह दसिया कि मेरे सारे चेले लोग तुसी सारे मैनु छड़ के चल जाओगे। तो पत्रस ने दसिया भावे जिन्हें भी लोग तुहानु छड़ के चल जावे प्रभु मैं तुहानु नहीं छड़ांगा। लेकिन मेरे बेणत तो भरावो असी वेखते हाँ कि प्रभु यीशु मसीह ने तीन बार पत्रस ने इनकार किया है। ये सिर्फ पत्रस की जिंदगी विच नहीं है साढ़े जीवन के विच असी इस तरह वेखते हाँ। असी प्रभु यीशु मसीह से भरोसा रखते हाँ उम्मीद रखते हाँ प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंदा है लेकिन जो साढ़े जीवन के विच दुख तकलीफ हुंदा है परेशान हुंदा है तो समय असी विश्वास तो कट जाता है। असी ये बहुत फर्क है प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम विच रहना है। दोनों में शक्ति है लेकिन ज़्यादा लोग की करता है की पसंद करता है यीशु का नाम लेने में। लेकिन एक अच्छा ईसाई बनने के लिए असी की करना है यीशु दी नाम विच असी रहना बहुत जरूरी है। जो कलीसिया दे विच असी बपतिस्मा स्वीकार किया है बहुत संदा तो संदनिया उन्होंने उन्हें जीवन प्रभु यीशु मसीह दे लिए अर्पित किया है। उसने उन्होंने खून देते हुए एक शहीद बन के साढ़े वास्ते प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंदे हुए प्रभु यीशु मसीह का दुख के विच भाग लेंदे हुए साढ़े वास्ते ये सब कुछ दे दिता है। इसलिए मेरे बेणे तो भ्रावो असी भी की करना है साढ़ी जिंदगी विच इस तरह की दुख तकलीफ परेशान हो सकता है लेकिन असी इस दुख तकलीफ के विच परेशान के विच असी अपने मन नू दुखी नहीं होना है क्योंकि प्रभु का सत्य वचन है मैं तुहाड़े नाल अंत तक रहांगा। और ना ना ही असी प्रभु के पवित्र अंजील विच सुनते हाँ प्रभु इस तरह दसता है कि खुदा दे लई कुछ भी अनहोना नहीं है खुदा दे लई कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया हालेलुया असी वेखते हाँ कि खुदा दे लई कुछ भी असंभव नहीं है। असी सोचेंगे कि मेरे जीवन के इस तरह की परेशान क्यों है मेरी जिंदगी इस तरह की दुख तकलीफ क्यों है मेरे जीवन के इस तरह की रुकावट क्यों है कि जो प्रभु जिसके उत्ते मैं भरोसा रखते हाँ जिस प्रभु दे लिए मैं अपने जीवन अर्पित करने के लिए तैयार हाँ वो प्रभु कितने चल गया है। मेरे बेण तो भ्रावो ये याद रखना जो तो साड़ी जिंदगी विच दुख तकलीफ हुंदा है परेशान हुंदा है तो समय तुहानू तुहाड़े प्रभु अकेला नहीं चढ़ांगे तुहाड़े नाल है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप अपने आप नू साड़े वास्ते साड़े लिए साड़े सामने साड़े आगे पाले चल गया। तो बाद विच सानू दसिया तुसी भी अपना सलीब चुक के मेरे पीछे आना है। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में वेखन के वे असं इस तरह वेखते हाँ कि प्रभु यीशु मसीह आप अपने जीवन के बहुत दुख तकलीफ उड़ाया है बहुत परेशान उन्हां दी जिंदगी में आया है बहुत रुकावट उन्हां दी जिंदगी में आया है। असं सारे हरेक चर्च के और अपने परिवार के अपना 14 मुकाम की प्रार्थना पढ़ता है 14 मुकाम सलीब के राह असं वेख सकते हाँ कि असं इस तरह देखता है कि जो प्रभु यीशु मसीह
बेगुना परमेश्वर दी इकलौता पुत्र उन्होंने कोई गुना पाप ना किया लेकिन उन्होंने सलीब दी सजा दिता है। जो राह कालवरी पहाड़ वाल जाते वेले जो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह चंगाई किया है उन्होंने भोजन दे दिता है उन्होंने हर तरह की आशीष दे दिता है वो सारे सारे लोग दूर चले गया। उच्ची उच्ची आवाज नाल इस तरह बोला कि उसनु सलीब दिवो प्रभु यीशु मसीह ने हंसते हुए मजाक उड़ा उड़ाउंदा है और नाल नाल ही ये सिर्फ लोग नहीं है उन्होंने चेले लोग भी प्रभु यीशु मसीह चढ़ के दूर चल गया है। और प्रभु यीशु मसीह कालवरी पहाड़ वाल असं देखते हाँ कि उसने एक अपने दुख की प्याला दे समय दे विच उसने सोचा कि मेरा पिता भी मैनू छड़ दिता है ता करके प्रभु यीशु ने इस तरह प्रार्थना किया एली एली लामा सबकतानी हे परमेश्वर तू मैनू क्यों छड़ दिता है। मेरे भेण तो भरावो प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी इस तरह की दुख का परेशान दुख का प्यार उन्होंने जिंदगी हुआ है लेकिन साढ़े वास्ते एक अच्छा नमूना दिता है। प्रभु यीशु मसीह ने अंत में कहा हे परमेश्वर तेरे हत्था विच मैं अपनी आत्मा नूं सौंप दिता हाँ। मेरे बेणत भरावो साड़ी जिंदगी विच इस तरह के परेशान होगा मुसीबत होगा दुख तकलीफ होगा साढ़े वास्ते कोई जवाब नहीं हो सकता उस समय असी की करना है अपने आप नूं प्रभु दे पवित्र हत्था विच असी अपने आप नूं अर्पित करना है। अजकल असी वेखते हाँ बहुत लोग कोरोना वायरस के नाल पीड़ित है कितना भी टेक्नोलॉजी है कितना भी ज्ञान ही है दुनिया विच कोई भी ना दे कोई बहुत मुश्किल उन्होंने सामने है लेकिन इस दुख के समय के असी सारी उम्मीद रखना है ये प्रभु साढ़े वास्ते कोई ना कोई राह निखारेंगे साढ़े वास्ते वो जरूर चंगाई देंगे। तो असी उम्मीद नाल विश्वास नाल प्रभु ते भरोसा रखते हुए असी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और मेरे भेण तो भरावो असी अपने जीवन के हर वेले हर समय इस तरह याद रखना है कि मैनू हर तरह की आशीष देने के लिए मेरे प्रभु है क्योंकि प्रभु इस तरह सानू दसता है राह सच्चाई अते जीवन में हाँ मेरे बिना कोई भी खुदा पास नहीं पहुँचता मेरे बिना कोई स्वर्ग वाल नहीं पहुँच सकता है। इसलिए असी की करना है वही प्रभु एक खुदा का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह राह उत्ते चलते हुए प्रभु यीशु मसीह की सच नूं मानते हुए असी अपना जीवन बिताने लिए असी बहुत कोशिश करना है। और नाल नाल ही अपने जीवन के जो असी इस तरह वेखते हाँ कि जिस तरह पतरस पतरस प्रभु यीशु मसीह नूं अपने दुख सहन तो दूर कर दिता तो समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुसी दूर हो जाओ शैतान मेरे तो दूर हो जाओ। प्रभु ये मानता है पतरस तू मेरे लिए एक ठोकर है तू मेरे लिए एक रुकावट है तुम्हारे सोच ये दुनिया वाला वर्ग है। मेरे बेणों तो भरावो कई बार साड़ी जिंदगी इस तरह की रुकावट जरूर होगा साड़ी बीमारी साड़ी हर गरीबी दुख तकलीफ परेशान साढ़े लिए एक रुकावट है लेकिन इस रुकावट के समय के असी कोई परेशान लैन की जरूरत नहीं है। प्रभु ते भरोसा रखो प्रभु ते प्रार्थना करो ताकि प्रभु जरूर सारे प्रार्थना जरूर सुनेंगे। असी कई बार सोचेंगे इस तरह की परेशान इस तरह की सहन दुख तकलीफ साढ़े जिंदगी क्यों होंदा है कारण यह है इंसान गुनाह किया है पाप किया है हर एक इंसान की जिंदगी पाप है हर एक इंसान के हृदय पाप है। इस पाप तो दूर होने के लिए असी की करना है साढ़े पाप कई बार दूसरों के सहन हो सकता है दुख हो सकता है। तो नाल ही अस उम्मीद अपने विश्वास के पक्का होने के लिए प्रभु यीशु मसीह सानू कई बार खुदा परमेश्वर सानू दुख तकलीफ देता है जो अंत में हमेशा टिके रहता है उन्होंने आनंद जीवन मिल सकता है। असी अयूब के बारे सुना है अयूब ने सब कुछ था उन्होंने कोल धन दौलत सब कुछ ले लिया लेकिन अयूब ने खुदा के विरुद्ध कुछ नहीं दसिया उसने इस तरह बोला खुदा दिया खुदा ले लिया खुदा का नाम की महिमा होवे हालेलुया हालेलुया। साड़ी जिंदगी विच इस तरह भी होना है जो कुछ साड़ी जिंदगी विच है सब कुछ खुदा का एक खास वरदान है। इसलिए मेरे बेण तो भरावो असं सारे इस दुनिया तो अपना जीवन यात्रा शुरू कर रहा है प्रभु वाल अपना मन रखते हुए स्वर्ग वाल अपने ध्यान रखते अपना जीवन गुजारता है। इस रास्ते में इस राह विच सानू परेशान होंगे दुख तकलीफ होंगे कई बार लोग मेरे को आके इस तरह पूछता है फादर असं चर्च जाता है प्रार्थना करता है और बाइबल पढ़ता है कलीसिया के हुक्मों को मानता है लेकिन साड़ी जिंदगी विच अचानक इस तरह की बीमारी क्यों आ गया मेरे पति क्यों मर गए मेरे पत्नी क्यों मर गए मेरे बच्चे इस तरह की बीमारी क्यों हो गया है। मेरे बहन तो भरावो कोई जवाब असं नहीं दे सकता सब कुछ खुदा जानता है। असी की करना भरोसा रखना है
प्रभु ते उम्मीद रखते हुए अपने जीवन बिताने की कोशिश करिए। आए असी सारे अपने जीवन के जो दुख तकलीफ है परेशान है सब कुछ लेके प्रभु यीशु मसीह का पीछा पीछे चलने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि प्रभु का सत्य वचन है मनुख नु की फायदा जेकर सारा संसार पा लवे पर अपना जीवन गुआ बैठे, जा मनुख अपने जीवन के बदले की दे सकता है। जीवन का मालिक असी नहीं है, जीवन का मालिक वो सच्चे ईमानदार सच्चे प्रभु है। उस प्रभु ते भरोसा रखिए, जिस तरह माँ मरियम ने संदा ते संदनिया ने हर एक चेलिया ने खुदा दे हुक्मां नू पालना करते हुए उन्हां दे जीवन दे विच जीवन गुदाया, उसी तरह असी भी अपने जीवन दे विच अपने दुख तकलीफ लेंदे हुए प्रभु यीशु मसीह दे पीछे पीछे चलने के लिए कोशिश करिए। प्रभु यीशु मसीह अस सारे नू आशीष देवे बरकत देवे, और खास करके इस पवित्र मीसा विच असी प्रार्थना करिए ताकि हर तरह दे दुख तकलीफ मुसीबत रुकावट प्रभु दूर करे, सानू आराम देवे ताकत देवे शक्ति देवे और विश्वास देवे ताकि मैं भी प्रभु ते भरोसे रखे अपने जीवन गुजारे। बाप ते बेटे ते रूपाकतना उते आमीन। आयो से सारे प्रभु ते भरोसे रखते हुए अपना विश्वास का प्रगटावा करिए। मैं खुदा ते मान रखता हाँ जड़ बाप पूरी कुदरत वाला आसमान ते जमीन दा पैदा करने वाला है, मैं यीशु मसीह ते ईमान रखता हाँ जड़ा इकलौता बेटा अते सदा खुदावंद है, और पाक दी कुदरत नाल काली मरियम दे गर्भ विच पिया अते उस जमया, उसने 35 पिलातुस दे हाथ विच लटकाया सलीब ते चढ़ाया गया मर गया अते दबा गया बंजर विच उतरिया अजी दहाड़े मुर्दे विच जी उठिया आसमान ते चढ़ गया अल्लाह बाप परम कुदरत वाले दे सज्जे हाथ च बैठा जिते जिंदा ते मुर्दे दा इंसाफ करन लई फिर आवेगा। मैं मालिक दा हां रूपा कते एक पाक सदिक कलिसिया पाक लोकां दी शराकत गुनाहां दी माफी जिसम दा जेठना अते हमेशा दी जिंदगी दे उत्ते आमीन। प्रार्थ भेणो आई असी अपने हर तरह की जरूरतों ने प्रभु के पवित्र चरणों में रखते हुए प्रार्थना करिए। ये आखते हुए ये प्रभु साड़ी दुआ सुन, हे प्रभु साड़ी दुआ सुन। मेहरबान खुदा साढ़े रूहानी बाप संत पापा फ्रांसिस नू तंदुरुस्ती बख्श अते हर खतरे तो सुरक्षित रख, उन्हां दी रसूली खिदमत द्वारा तमाम दुनिया नू सच्चा चानण प्राप्त होवे अते पवित्र आत्मा की मदद नाल ओ कलीसिया दे योग अगवाई कर सकन। अनुवचन ए प्रभु साडी दुआ सुन। ए खुदा साडे बाप अपने दया साडी जलंधर डायसिस ते बरसा अते साडे बिशप साहिब नू दनाई प्रदान कर तां जो ओ पंजाब दी कलीसिया दी अगवाई योग तंग नाल कर सकन। अनुवचन ए प्रभु साडी दुआ सुन। ए मेहरबान खुदा कलीसिया दे सारे पुरोहितां धार्मिक जीवन बसन करदे पैणा भरावां मुनादां अते सारे प्रचारकां नूं पवित्र आत्मा दे वरदाना बख्श तां जो अपनी सेवकाई दे नेक नमूना सब नूं दे सकन। उह सरगर्मी अते जोशीले ढंग नाल पाक कलाम नूं दुनिया दे कोने कोने तक फैला सकन। अनुवचन ए प्रभु साडी दुआ सुन। ए प्रभु खुदा हर परिवार मापिया अते बच्चों लई असी दुआ करते हाँ कि उन्हां विच आपसी प्यार अते आदर होवे, ओ एक दूजे दीआं गलतियां नूं माफ करन अते प्रार्थनामय जीवन बतीत करन। अनुवचन हे प्रभु साडी दुआ सुन। हे प्रभु असी अपने भारत देश खास करके पंजाब प्रांत लई प्रार्थना करते हाँ कि इस दे हाकमां अते नेतावां नूं अपनी सच्चाई दी रोशनी विखा तां जो ओ लोकां दी भलाई लई निस्वार्थ सेवा करन, सब इंसाफ मिले अते सारे साडे देश दे हर तरह दे लड़ाई झगड़े तो बचा, सभनी थाई अमल चैन कायम कर। अनुवचन ए प्रभु साडी दुआ सुन। ए मेहरबान खुदा बीमारां बेसहारियां कैदियां मुसाफिरां अते हर तरह दे दुख सहन वालियां नूं सबर शांति अते हौसला प्रदान कर। अनुवचन हे प्रभु साडी दुआ सुन। मेरे प्राण तो भरावो जिते किते भी असी बैठे हो जिते किते भी हुण इस वेले असी हाजर हो आए असी अपने आँख बंद करदे हुए
प्रभु वल अपने ध्यान रखते हुए असी प्रार्थना करिए, साड़ी निज लोड़ा नु प्रभु दे चरणां विच रखते हुए प्रार्थना करिए। ये उम्मीद रखते हुए मेरे प्रभु दे लई कुछ भी अनहोना नहीं है, मेरे प्रभु दे लई कुछ भी असंभव नहीं है, मेरे प्रभु हमेशा मेरे साडे नाल है। हे परम दयालु खुदा परमेश्वर, असी तेरी बड़ी आयत शुक्र कर देगा प्रभु, असी साड़ी निज लोड़ा नु तेरे चरणां विच अर्पित करते हुए प्रार्थना कीता। अगर तेरी इच्छा तो साड़ी हर तरह की प्रार्थना ने कबूल कर, सानू आशीष ते बरकत ने मालामाल करी। हे प्रभु यीशु मसीह, साडे जीवन दे विच हर तरह की दुख तकलीफ है, परेशान है, मुसीबत है, रुकावट है, प्रभु वो सब कुछ तेरे हत्थां विच पवित्र हत्थां विच रखते हुए असी प्रार्थना कर देगा। सानू आशीष ते बरकत देना ना नाले प्रभु यीशु मसीह, असी खास करके इस दुनिया वल भरे हुए हर एक इंसान वास्ते प्रार्थना कर देगा, जो हर एक लोग जो कोरोना वायरस दे नाल पीड़ित है उन्हें वास्ते असी प्रार्थना कर देगा। उन्होंने आशीष ते वरकत देना प्रभु, तू डॉक्टर दे डॉक्टर, मालिकां दे मालिक है प्रभु, उन्होंने चूह के चंगाई देने दे असी प्रार्थना कर देगा। जो डॉक्टर लोग उन्होंने सेवा करते हैं, जो नर्स उन्हें वास्ते सेवा करते, उन्होंने भी तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा देना। और नाल ही साड़ी राष्ट्रीय अपने पोलिटिकल नेता उन्हें वास्ते, और हेल्थ वर्कर्स जो कुछ भी वॉलंटियर्स पुलिस जो कुछ भी सेवा करते प्रभु, उन्हें सारे ने अपने आशीष के वर्क के नाल मालामाल करिए, ताकि इस खतरा बीमारी साड़ी दुनिया तो दूर हो जाए, ताकि हर एक इंसान अपने प्रभु ने जय जयकार करते हुए अपने जीवन बिताओ देना, आशीष के वर्क देना। ना नाल ही प्रभु यीशु मसीह, असी खास तौर पर अपना प्रार्थना भवन टीवी जो चैनल दे विच जो लोग अपने जिम्मेवारी लेंदा है प्रभु, ना सारे वास्ते असी प्रार्थना कर देगा, सारे ने आशीष के वर्क देना प्रभु। दिन रात खुदा दे लई सेवा करन दे लई अपने सब कुछ छड़ के जो सेवा करते रहेंदे हरेक नू असी प्रार्थना कर देगा, सारे ने अपने आशीष के वरकत नाल मालामाल करिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह इस माध्यम के द्वारा बहुत लोग तेरे नाम की बड़ियाई करिए। और जो लोग साढ़े प्रार्थना मंगा है उन्हें वास्ते भी असी प्रार्थना कर देगा, जिन्हें लोगों ने उसी प्रार्थना वादक दुनिया में असी याद कर देगा। जो लोग बीमारी है दुख के नाल पीड़ते हैं उन्हें सारे वास्ते असी प्रार्थना कर देगा। साड़ी प्यारे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में रखते हुए मां मरियम द्वारा असी प्रार्थना करिए। ये आखते हुए सलामे मरियम फसल नाल भरी हुई, खुदावन तेरे नाल है, तू औरतों विचों तन है, नाले तन है तेरे फिड़दा फल यीशु। ये शुद्ध मरियम खुदा दी मां, असा गुणगरा ले दुआ कर उन ते साड़ी मौत दे वेले। असी सब कुछ मंगदे हां अपने प्रभु यीशु मसीह दे राहिम, आमीन। नज़राना मेरा शाफिया कर लगो मनसूर, नज़राना मेरा शाफिया कर लगो मनसूर, जिंदगी दे अपनी
ब्राउत बहनों प्रार्थना करो कि मेरी अति थुआड़ी कुर्बानी पूरी कुदरत वाले खुदा बाप नु कबूल होवे। ये खुदा तू ही सच्ची भक्ति अति शांति दा सोमा है। बख्श दे कि इस पाक बेदे मनाए जान नाल असी तेरे महान जलाल दी सही आराधना कर सके अते तेरे बच्चियां विच एकदाते शांति होर मजबूत हो जावे। साडे प्रभु यीशु मसीह दे राखी आमीन। प्रभु तुआडे नाल होवे अते तुआडी रूह नाल भी होवे। तुसी अपने दिल प्रभु वल लगावो असी अपने प्रभु खुदा दा धन्यवाद करिए। ये सही अति योग्य है ये प्रभु पवित्र बा पूरी कुदरत वाले अति काल खुदा ये सचमुच सही अति योग्य है मुक्ति पावन दे राखे कि असी हर वेले तां करतां प्रभु यीशु मसीह अपने प्रभु दे राही तेरा धन्यवाद करिए। गुणगार इंसान लई प्यार दी खातिर मसीह ने अपने आप नूं हलीम बना के कुवारी मरियम तो जन्म लिया सलीब ते दुख सह के उसने सानू सदीवे मौत तो मुक्त किया है अते मृत्यु विच जीवन नू सानू आनंद जीवन बख्शिया है। इसलिए असी अपनी खुशी विच फरिश्तियां दे संगती जतियां दे नाल मिलके तेरी महिमा दे गीत खुशी नाल गाउंदे हां। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर ओ पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर स्वर्ग तारा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम परमेश्वर की महिमा गूंजे तेरा नाम परमेश्वर की महिमा गरिमा तेरे तीनों का तेरे तीनों का आए असी सारे अपने आप नूं अर्पित करिए जिस तरह पवित्र आत्मा दी शक्ति दे द्वारा इस रोटी अते दाख रस प्रभु दी बदन ते लहू बन जाता है उस तरह साड़ी जिंदगी विच एक मन परिवर्तन होवे और अपने हर एक बीमारी नूं दुख तकलीफ नूं असी प्रभु दे पवित्र चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना करिए। ये प्रभु तू सचमुच पवित्र है अति सही है कि सारी सृष्टि तेरी बड़ियाई करे।
तेरे बेटे साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे राही तेरे उपाद की कुदरत नाल तोरे संसार नू जीवन बख्शदा ते पाक करदा है। तू लगातार अपने लिए प्रजा इकट्ठे करदा रहिंदा है। तादो चढ़दे सूरज तो लेके लेंदे तक कि शुद्ध गुरबाणी तेरे पवित्र नाम दे लई चढ़ाई जावे। इसलिए प्रभु असी हलीमी नाल तेरे अगे मिन्नत कर देगा कि अपने मेरे नाल गुरु पाक दे राही इन्हां नसराणियां नूं पवित्र कर जो असी तेरे पाक सूरी विच लेके आएगा ता जो ये तेरे बेटे साढ़े प्रभु यीशु मसीह दा बदन ते लहू बन जावे जिस ते हुक्म नाल असी ना बेदा नूं मनाउंदे हां। जिस रा उसका विश्वासघात किया गया उसने रोटी ली अते तेरा धन्यवाद कर दिया बरकत दिती रोटी तोड़ी अते अपने चेलियां ने दिती ये कहिंदे होए तुसी सारे लाओ अते इस विचों खाओ क्यों जो ये मेरा बदन है जिड़ा तुआड़े लिए कुर्बान किया जावेगा। इसे तरह भोजन करन दे बाद उसने प्याला लिया तेरा धन्यवाद कर दिया बरकत दिती प्याला अपने चेलियां ने दिता ये कहिंदे होए तुसी सारे लाओ तिस विचों पीवो क्यों जो ये मेरा लिखू दा प्याला है नवे मते सदी भी नेम दा लिखू जो तुआड़े ते बोतियां वास्ते गुणा दी माफी लई वगाए जावेगा। मेरी याद विच ए करिया करो ईमान दा फे कुर्बानी देना तेरी मौत ते फिर जी उठने नु याद कर दे हाँ याद कर दे हाँ ऐ प्रभु मुक्ति दाते आशीष कुर्बान इसलिए प्रभु असी तेरे बेटे दी मुक्ति गारी दुख भोग उसके जलाली जीवन ते सुरग विच चढ़ जाण दी यादगारी मनाउंदेगा अते उसके दूजी वारी आवन उड़ीकदे होए तेरा धन्यवाद कर दिया जीवन दे ते पवित्र कुरबानी नूं चढ़ाउंदेगा। असी बेनती करदे हां कि तू अपने कलीसिया दे चढ़ाव ते नसर कर अते इस कुरबानी होए लेले नूं पछाण जिस ते कुरबानी तो राजी हो के तू साड़ा अपने नाल मेल कराया है। बख्श दे कि असी तेरे बेटे दे बदन ते लहू नाल रजाए होए अते उस तेरे पाक नाल भरपूर हो के मसीह दे विच एक शरीर अते एक रूह बन जाए। ओ सानू तेरे लिए एक सदीव नसरान बनावे ता जो असी तेरे चुनिया होए नाल खास करके थन कुआरी मरिए खुदा दी माम दे नाल उसे कुआरी दे मुबारक वरी दसन दी उस सब दे नाल तेरे थन रसूला नाल तेजस्वी शहीदा नाल अते तेरे सारे संदा नाल उन्हां दे विरस्ते वारस बन जाई। इन्हां वालों तेरे असूरे विच लगातार कीती जाण वाली सिफारिश दी
यकीनी मदद उत्ते असी भरोसा रखते हाँ। ये प्रभु असी ये बेनती करते हाँ साढ़े मुड़ मिलाप की कुरबानी सब दुनिया की शांति ते मुक्ति दले सरदाई होवे। तू कृपा करके इस धरती उत्ते फैली होए अपनी यात्री गलीसिया अपने सेवक साढ़े संत पापा फ्रांसिस नू साढ़े बिशपां कुल दुनिया के बिशपां पुरोहिदां अते सब लोगों नू जिन्हां नू तू अपना बना लिया है ईमान ते प्यार विच मजबूत बनाउण दी मेहरबानी कर। कृपा करके इस परिवार दीआं प्रार्थनां नू कबूल कर जिसनू तू अपने सामने सदन दे मेहर कीती है। ये दयालु भाव संसार भर विच किलरे होए अपने सारे बिछियां नू अपने कोल इकट्ठे करन दी कृपा कर। साढ़े मोए होए भैन भरावां नू अतन सारियां नू जिहड़े तैनू कुछ करदिआं इस संसार विचों चलाणा कर गए हन मेरे नाल अपने राज विच दाखल कर। उत्ते असी तेरी वड़ी शान दी खुशी विच सदा निहाल रहण दी उम्मीद रखते हाँ। साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे राहीं जिस राहीं तू दुनिया नू हर चंगी दात बख्शदा है। उसते राहीं उसते नाल उसते विच ये खुदा पूरी कुदरत वाले बा रूपाक दी एकदा विच सब जलाल ते वड़ियाई तेरी ही है। सदा तुम सदा तीक आओ से सारे मिलके पूरे भरोसे दे नाल प्रभु ते भरोसे रखते हुए ये प्रार्थना करी जो प्रार्थना साड़ा प्रभु सानू सिखाया है। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਸਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਸਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ते साडे सब कसूर सानू माफ कर दे। ते साडे सब कसूर सानू माफ कर दे। ते साडे बाप जेड़ा आसमान ते तेरा नाम पाक सदा मनिया जावे। जिवें असी अपने कसूरवारनू जिड़े असी अपने कसूरवारनू उन्हां दे कसूर असी माफ कर दे। उन्हां दे कसूर असी माफ कर दे। सानू ए खुदा अजमाइश विच ना पा। सानू ए खुदा अजमाइश विच ना पा। ਸਗੋਂ ਬੁਰਿਆਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਸਗੋਂ ਬੁਰਿਆਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਸਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ अपने रहीम नाल साढ़े दिनां विच शांति दे ता जो तेरी दया की मदद नाल असी हमेशा गुनाह तो मुक्त रहिए ते हर मुसीबत तों सुरक्षित रहिए। जिवें मुबारक उम्मीद रखते हुए असी इस मसीह साढ़े मुक्त दादे दी आवन उड़ी करदे हां। ਕਰ ਰਹੇਗਾ
हे प्रभु यीशु मसीह तू अपने रसूले ना किया मैं तुहानू शांति दिंदा हाँ अपना शांति मैं तुहानू प्रदान करता हाँ तू साढ़े गुनाह नहीं सगो अपने कलीसिया की मां वेख तुसू तेरी मर्जी मुताबिक शांति अते एकता प्रदान कर तू जो जीवन दा राज करदा है सदा तू सदा ती कर प्रभु की शांति सदा तुहाड़े नाल होवे असी आपो भी शांति दा सलाम दे खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जांदा है ले ले खुदा दे ले ले खुदा दे सानू शांति प्रदान देखो खुदा दा लेला इन वेखो जिहड़ा संसार दे गुनाह चुक लेंदा है ਧੰਨ ਹਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਦੇ ਗਏ ਹਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲੇ ਆਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਿਖੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ तेरी मैदा पे अल्लाह यीशु पीना तेरे कदमा से सुन जीना तेरी मैदा पे अल्लाह यीशु पीना तेरे कदमा से सुन जीना तेरी मैदा पे अल्लाह लगे हर शै तो अल्लाह तेरी मैदा पे अल्लाह लगे हर शै तो अल्लाह मैं संसार का चानण हाँ जो मेरी पैरवी करता है वह हनेरी विच नहीं भटकेगा सगो उसनु जीवन का चानण मिलेगा असी प्रार्थना करी
ए खुदा साडे बाप, तू अपने अलतार तो अपने पाक बाणी अते जीवन दी रोटी नाल अपने ईमानदार नूं रजाउंदा अते नवा करदा है। अपने बेटे दिया इन्हां स्वागतां दे राही साडी मदद कर ता जो असीं मान विच लगातार तरक्की करदे होए उसदे अनंद जीवन विच हिस्सेदार बन सकीए। ओही प्रभु यीशु मसीह दे राही प्रभु तुआड़े नाल होवे, अते तुआड़ी रूह नाल भी होवे। पूरी कुरतवारा खुदा बाप ते बेटे अते रूपा तुहानू आशीर्वाद देवे। कुर्बान अर्पण की गई मसीह दी शांति विच जाइए। खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर प्रार्थना करिए। सर्व शक्तिमान अते मेहरबान खुदा जो सारी सृष्टि अपना प्यार विखाउंदा है, कृपा करके साडियां प्रार्थना नूं कबूल कर जो असी संसार दे वक्त वक्त थावां विच कोरोना वायरस तो प्रभावित लोगां लई चढ़ाउंदे हां। असी इस कोप ते तेजी नाल नियंत्रण पाउण लई पीड़ता दी चंगियाई अते उहनां दे परिवार लई तेरे अगे मिन्नत करदे हां। असी सारे हकीमां अते ज्ञानियां लई प्रार्थना करदे हां कि ओह इस विपत्ता दा हल दा सकण। असी सरकार अधिकारी दे लई दुआ मंगदे हां कि ओ लोकां दी भलाई लई उचित कदम चुक सकन। असी ये दुआ मंगदे अपने प्रभु यीशु मसीह दे राहीं। आमीन। सारिआं नूं जय यीशु। जय यीशु। मेरी शान नियारी ओ दी सूरत